एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डेंटिशन सिस्टम के बारे में और टाइप ऑफ टीथ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीथ चार प्रकार के होते हैं ह्यूमंस में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था कि दीज आर इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलार एंड मोलार्स। ओके, नाउ सबसे पहले इंसीजर्स। व्हाट आर इंसीजर? दीज आर लॉन्ग चीजल लाइक टीथ फॉर गाउनिंग पर्पजेस। गाउनिंग, फूड को गाउनिंग करने के लिए इंसीजर्स होते हैं, ठीक है? लाइक दीज आर इंसीजर्स, ओके, जो हमें सामने दिख रहे हैं। देन कैनाइंस, दीज आर शार्प पॉइंटेड टीथ, शार्प पॉइंटेड टीथ। कैनाइंस जो साइड में दो प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने और भी कार्निवोरस एनिमल्स में देखा होगा कि जो टीथ साइड में ऐसे पेनी टीथ प्रेजेंट होते हैं, पॉइंटेड शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कैनाइंस फॉर टीयरिंग एंड शियरिंग पर्पजेस, ठीक है? तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। बहुत ज़रूरी बात है कि जो कैनाइंस टीथ होते हैं ना, कैनाइंस, ये हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये जनरली टीयरिंग और शेयरिंग पर्पज़ के लिए चाहिए होते हैं। मतलब जो मांसाहारी जानवर हैं वो मांस को काटने छाटने के लिए इनको काम में लेते हैं। ओके, सो इट इज़ एब्सेंट इन हर्बीवोरस एनिमल्स। अब हर्बीवोरस एनिमल्स में ये नहीं होते, तो एक बात बताओ, अगर मान लो हमें ये नहीं होंगे, ये कैनाइंस नहीं होंगे, तो इनकी जगह पर स्पेस होगा, जगह प्रेजेंट होगी ना। तो ये जो जगह है ना, इंसीजर्स के ना होने से जो स्पेस पैदा हो जाता है टीथ्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड डाइस्टेमा। व्हाट डाइस्टेमा? इंपॉर्टेंट टर्म है कि स्पेस ऑफ कैनाइंस इन गम्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैनाइंस, दिस इज नोन एज डाइस्टेमा। देन प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड में काम आते हैं। प्रीमोलार्स फूड के च्यूइंग और क्रशिंग में काम आते हैं, और पता है ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। एंड देन ये इंसीजर हो गए कैनाइन, देन प्रीमोलार, देन लास्ट में मोलार प्रेजेंट होते हैं। नहीं, अब मोलार में क्या होता है? मोलार, इनको चीक टीथ भी बोलते हैं, इनको चीक टीथ भी बोलते हैं। दीज आर यूज फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग, सेम पर्पज। ओके, दे आर रेक्टेंगुलर, और मैस्टिकेशन ऑफ फूड में ये प्रीमोलार और मोलार दोनों मिलकर के अपना योग और दान देते हैं। बोलो क्या? प्रीमोलार एंड मोलार, प्रीमोलार एंड मोलार दोनों मिलकर के खाने को चबाने में हेल्प करते हैं हमें। ओके, नाउ इन मैमल्स एक्सेप्ट प्रीमोलार एंड लास्ट मोलार, ऑल टाइप ऑफ टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। अगर मैमल्स की बात की जाए तो उनमें प्रीमोलार को और लास्ट वाले मोलार टीथ को, प्रीमोलार्स को और लास्ट वाले मोलार टीथ को छोड़ करके सारे टीथ, ये सारे जो दिख रहे हैं, ये सारे टीथ लाइफ में दो बार आते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज टेम्पररी मिल्क लैक्टियल या डेसीडियस प्राइमरी। इतने सारे नाम, ये एक ही चीज़ के नाम है कि चाइल्डहुड में जो टीथ प्रेजेंट होता है ना, मिल्क टीथ, डेसीडियस टीथ, टेम्पररी टीथ, लैक्टियल टीथ, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ, लैक्टियल टीथ, डेसीडियल टीथ, प्राइमरी टीथ। ओके, दिस टीथ, दिस इज द नेम ऑफ द टीथ प्रेजेंट, टूथ प्रेजेंट इन चाइल्डहुड। उसके बाद में जब अडल्ट स्टेज में जो इनको हटा करके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, देखा होगा ना, हम बच्चे होते हैं, दांत आते, फिर गिरते जाते हैं, फिर नया दांत आता जाता है, तो वो है परमानेंट टीथ जो अडल्ट होने के बाद में आ जाते हैं, ठीक है? ट्वाइस इन लाइफ, इनके नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ह्यूमन डेंटिशन सिस्टम के बारे में। जरा इधर देखो, ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डेंटिशन? डेंटिशन इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज इज कॉल्ड डेंटिशन। जॉज है ना, उन पे टीथ का जो अरेंजमेंट है उसको डेंटिशन बोला जाता है। अब ह्यूमन डेंटिशन जो है ना, इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये जो पूरी स्लाइड है ना, यहाँ से ऐसे मान लो कि क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा
चांसेस हैं कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देखो ह्यूमन डेंटिशन किस टाइप का होता है, सबसे पहले मोनोफोडेंट। व्हाट इज मीन बाय मोनोफोडेंट, मोनोफोडेंट मतलब व्हेन टीथ विच अपीयर ओनली वंस इन लाइफ, यानी मोनोफोडेंट वो कंडीशन होती है कि जब टीथ लाइफ में एक ही बार आए। तो मोनोफोडेंट कंडीशन ह्यूमंस में कैसे है सर, आपने तो अभी बताया था कि टीथ ट्वाइस इन लाइफ अपीयर होते हैं, फिर कैसे है मोनोफोडेंट कंडीशन? अरे वो ऐसे है कि मैंने यहाँ पर बोला था ना कि एक्सेप्ट प्री मोलार एंड लास्ट मोलार, बाकी सारे टीथ तो लाइफ में दो बार आते हैं लेकिन प्री मोलार और लास्ट वाला मोलार नहीं आता। तो ये देखो एग्जाम्पल है प्री मोलार एंड लास्ट मोलार ऑफ मैन, ओके। देन डाइफोडेंट टाइप का डेंटिशन होता है, डाइफोडेंट मतलब कि टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, यानी दो बार आ रहे, मोनो एक बार, डाई बार दूसरी बार, ट्वाइस इन लाइफ। सो ये कौन से हो गए, इनको छोड़ करके सारे के सारे, जैसे इनसीजर है, कैनाइन है, और लास्ट मोलार कितने होते हैं, तीन होते हैं। सो फर्स्ट और सेकेंड मोलार्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ओके। देन थीकोडोन टाइप का डेंटिशन होता है ह्यूमन में, थीकोडोन टाइप का डेंटिशन जहां पर क्या होता है कि टीथ विच आर प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। यार ये तो पक्का है, अभी स्ट्रक्चर पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसमें बताया था कि जो बोन के अंदर एम्बेडेड होता है टीथ, जो बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके सॉकेट में प्रेजेंट होता है। चलो ये तो है, थीकोडोन टाइप का डेंटिशन मैन में, क्रोकोडाइल में होता है, ठीक है। देन हेट्रोडोंट टाइप का डेंटिशन होता है, when teeth are of different type in mammals on the basis of structure and function. अब heterodont type का, hetero मतलब different, अब teeth के लिए ये term use की गई है, इसका मतलब humans में क्या होता है, different type के teeth present होते हैं on the basis of structure and function. अभी देखो पढ़ा तो इनका classification, incisor, canine, premolar, molar, तो इनके base ये teeth क्या होते हैं, structure और function के हिसाब से अलग अलग होते हैं। Now the most important thing in this part is dental formula. देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा ह्यूमन डेंटिशन इज, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन डेंटिशन आर, या फिर ह्यूमन डेंटिशन इज, फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे होमोडोंट एंड डाइफोडेंट, मोनोफोडेंट एंड हेट्रोडोंट, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो दो जो सुटेबल होगा वो आप चूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मोनोफोडेंट कौन होता है, प्री मोलार एंड लास्ट मोलार, ठीक है, एंड इंसीजर कैनाइन और लास्ट सॉरी टू मोलार्स आर इंक्लूडेड इन डाइफोडेंट। देन थीकोडोंट टाइप का डेंटिशन होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन, हेट्रोडोंट टाइप का होता है। देन डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला पे आते हैं, ये क्या होता है, देखो डेंटल फॉर्मूला इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो, अपर और लोअर जो पर जो टीथ का अरेंजमेंट है उसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर, ICPMM अपॉन ICPMM, देखो ये अपर जो का, ये लोअर जो का। अब अपर जो में लिख दिया जाता है कि इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्री मोलार कितने हैं और मोलार कितने हैं। इन नीचे वाले में लिख दिया जाता है कि इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलार कितने हैं, मोलार कितने हैं, ओके। अब पता है बच्चों में ये डेंटिशन सिस्टम का, डेंटिशन सिस्टम कैसा होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बच्चों में 2102 अपॉन 2102 होता है, मतलब यहाँ पर ये देख रहे हो बच्चों के अंदर प्रीमोलार डेवलप नहीं होता, चाइल्डहुड में प्रीमोलार टीथ डेवलप नहीं होते, ओके, और एक मोलार एब्सेंट होता है। कुल मिला के बोलें तो बच्चों में 20 ही टीथ होते हैं, 20। और 17 ईयर ओल्ड अगर बच्चे की बात करें, बच्चा तो कहाँ हो गया, अडल्ट थोड़ा सा मतलब नियर अबाउट अडल्ट, 17 ईयर ओल्ड किसी की बात करें तो उसके अंदर 28 टीथ होते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर दो प्रीमोलार आ गए हैं, एक प्रीमोलार अभी भी नहीं आया है, सॉरी दिस इज 2122। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोलार तो अभी तक लास्ट वाला आया भी नहीं है, यहाँ पर दो प्रीमोलार डेवलप हो गए हैं। अगर अडल्ट की बात करोगे तो अडल्ट के अंदर 2123 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी आप याद रखना साथ में, 2123 अपॉन 2123। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि अभी तक क्या हो गया है, ये देखो एक एक मोलार टीथ है, अगर लास्ट वाला जो मोलार टीथ डेवलप हो गया है, यानी अगर हम बात करें तो 32 ही दिखती है यहाँ पर, 32 टीथ होते हैं, और 17 ईयर ओल्ड में 2122 अपॉन 2122।
यहाँ पर केवल और केवल एक मोलार नहीं है लास्ट वाला, बाकी सब प्रेजेंट है। यहाँ पर प्री मोलार नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका नंबर कितना होता है। जैसे अब क्या पता प्री मोलार दो ही होते हैं क्या, दो होते हैं क्या, दो ये एक ही होता है क्या, क्या चक्कर है ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ये मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है जो एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसमें शो कर रखा है कि ये पहला दांत है, ये दूसरा है, ये इंसीजर्स हैं। तो इंसीजर्स का नंबर कितना होता है, दो होता है। ये मैंने एक जो बना रखा है, दूसरा जो आप देख लेना, तो एक जो बना रखा है तो उसमें देखो दो इंसीजर्स हैं, देखो दो लिखे हुए हैं, दो 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 इंसीजर्स हैं। एक कैनाइन होता है, देखो कैनाइन हमेशा एक ही लिखा है क्योंकि एक कैनाइन प्रेजेंट होता है। एक तो इधर है और फिर मल्टीपल में बात करेंगे तो वैसे आ जाएगा, लेकिन हम ईच हाफ की बात कर रहे हैं। अगर आप कैनाइन पूरे लोअर जो में भी देखोगे ना, तो कैनाइन दो होंगे ना, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर और लोअर जो, केवल हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं अपर और लोअर जो में भी। तो यहाँ पर एक कैनाइन हो गया। देन प्रीमोलार की बात की जाए तो प्रीमोलार का क्या है, यहाँ पर क्या केस है प्रीमोलार का, देखो जरा, दो प्रीमोलार है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर दो है मैक्सिमम, तो दो ही रिप्रेजेंट किए मैंने यहाँ पे। यहाँ पे तो प्रीमोलार है नहीं, यहाँ दो आ गए, यहाँ दो है, ठीक है। देन मोलार तीन होते हैं। अब तीन में से दो जब बच्चा पैदा होता है तब तो दो प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में प्यूबर्टी पे भी दो ही रहते हैं, बट जब वो अडल्ट हो जाता है तब ये लास्ट वाला जो विजडम टीथ है, या फिर हम बोले जिसको विजडम टीथ या लास्ट मोलार डेवलप होता है, जिसके कारण 32 ही बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आप एनसीईआरटी में ज़रा गौर से देखना। यहाँ पर इनके डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, इंसीजर है, ये इंसीजर का डायग्राम दे रखा है। तो आप देखना इसके अंदर कितनी रूट है, एक रूट है इसके अंदर, एक रूट, ओनली वन रूट प्रेजेंट। अगर आप थर्ड वाला देखोगे, थर्ड इज कैनाइन, कैनाइन के अंदर क्या, कैसे कैनाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ही रूट प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, एक रूट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे प्रीमोलर है, तो प्रीमोलर की स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर, दो रूट प्रेजेंट है, देख रहे हो, दो रूट प्रेजेंट है। देन अगर आप ये देखोगे यहाँ पर इस सिक्स नंबर पर मोलार की स्ट्रक्चर देखो, मोलार के अंदर तीन रूट प्रेजेंट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट तो क्या, कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने रूट प्रेजेंट हैं, इस टीथ में कितने रूट हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंटायर थिंग अबाउट ह्यूमन डेंटिशन एंड टीथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।